दोस्तों अगर मैं बात करूं गांव में कौन सा एप्लीकेशन ज़्यादा चलता होगा तो आपको क्या लगता है एक्चुअली uh, uh, आपको बता मैं बता तो इस टाइम मैं गांव में ही हूं मेरे विलेज में और मेरे आप वीडियोस देख रहे हो टाइम बैकग्राउंड काफ़ी um, अलग अलग हर वीडियो में कुछ अलग ही बैकग्राउंड रहता है अभी मैं मेरी कार में वीडियो बना रहा हूँ तो एक्चुअली uh, मुझे ना ऐसा लगता है कि अगर कोई एप्लीकेशन किसी भी यूजर की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा होगा तो वो एप्लीकेशन ज़्यादा प्रमोट करने की जरूरत नहीं पड़ती है वो एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली ज्यादा से ज्यादा प्रमोट होता है और सक्सेसफुल हो जाता है ठीक है? तो आज जो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा मतलब बहुत इंपॉर्टेंट होगा ये और जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि मेरे कुछ सब्सक्राइबर ऐसे भी होंगे जो विलेज से बिलोंग करते होंगे और उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है उनको ये ज़रूर पता चल जाएगा कि गांव में ऐसा कौन सा वो एप्लीकेशन बनवाए जो गांव में सक्सेसफुल हो जाए जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है दोस्तों मेरी आ, मतलब यहाँ पे विलेज की जो प्रॉब्लम है वो मैं आपको बता देता हूँ बाकी आपके विलेज की क्या प्रॉब्लम है वो आपको फाइंड करना है होता यह है कि दोस्तों यहाँ पे अमाउंट को मतलब मनी को ट्रांसफ़र करने के लिए बहुत दिक्कतें होती हैं देखो दोस्तों क्या होता है गूगल पे फ़ोनपे ये गाँव में ज़्यादा नहीं चलता है ठीक है ये आप आ, मेट्रो सिटी में ज़्यादा चलता है गांव में भी चलता है बहुत बहुत कम चलता है मतलब रेयरली uh, मतलब कह लीजिए किसी दुकान में आपको गूगल पे फ़ोन पे देखने को मिल जाएगा तो uh, मैं मनी ट्रांसफर की बात कर रहा हूँ लेकिन मनी ट्रांसफ़र से मेरा मतलब ये है कि आप उससे अर्न कर पाओ ठीक है अब क्या होता है कि अगर समझ के चलो चलता भी अगर यहाँ पे गूगल पे फ़ोन पे स्ट्रांगली बहुत अच्छे से चलता तो आपको क्या लगता है कि जो किसान हैं या फिर जो गाँव के लोग जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है क्या वो यूज़ कर पाते जिनके पास स्मार्टफोन भी नहीं है वो गूगल पे फोन पे कैसे यूज़ करेंगे मतलब ये प्रॉब्लम है एक्चुअली कि उनके लिए ऐसा क्या किया जाए जो उनकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा एप्लीकेशन आपको बिल्ड करना चाहिए और उस एप्लीकेशन को आपके जो गांव के जितने भी शॉप वाले हैं ना जो रिटेलर्स होते हैं ठीक है उनको आपको एक ऐसा एप्लीकेशन प्रोवाइड करना होगा जिस एप्लीकेशन के थ्रू वो मनी ट्रांसफर कर सके ठीक है आपके एप्लीकेशन के थ्रू वो मनी ट्रांसफर कर सके जिसमें समझ लीजिए अगर वन थाउजेंड या फाइव थाउजेंड रुपीज है तो कहीं ना कहीं आपको टेन रुपीज ट्वेंटी रुपीज सेव हो ठीक है और उस ट्वेंटी रुपीज में से आप फाइव रुपीज या टेन रुपीज आप उस रिटेलर को तो बाकी का अपने पास रखो फिफ्टी परसेंट जो उसका जो मेन अर्निंग होगा उसका फोर्टी परसेंट तक आप अर्निंग उस रिटेलर को दे दो बाकी का अर्निंग आप अपने पास रखो ठीक है अब यहां पे होता है क्या मैं आपको बता हूं एक्चुअल में क्या होता है कि गांव में अगर समझ समझिए कि अमाउंट ट्रांसफ़र करना है तो जो जो भी यहाँ पे किसान होते हैं फिर जो जहाँ के लोग रहते हैं उनको काफ़ी दूर जाना पड़ता है क्योंकि गांव में आपको पता होगा गांव में बैंक ज़्यादा नहीं होते हैं ठीक है ठीके? होते हैं पर फाइव किलोमीटर सिक्स किलोमीटर या फिर कभी कभी एट किलोमीटर उनको जाना पड़ता है दूर तो रिटेलर्स जो रहते हैं वो अमाउंट तो ट्रांसफर करते हैं बट अमाउंट ट्रांसफर करने में उनको बहुत प्रॉब्लम्स आती है ठीक है तो मैं काफ़ी कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में आज इस वीडियो में बात करने वाला हूँ सिर्फ एक अमाउंट ट्रांसफर के बारे में बात नहीं करने वाला हूँ बहुत सारी चीज़ें हैं जो गांव में प्रॉब्लम्स होते हैं जिनको आप सॉल्व कर सकते हो ठीक है आप समझ के चलिए कि अमाउंट ट्रांसफर जो प्रॉब्लम होता है इसे आप चाहो तो सॉल्व कर सकते हो एक ऐसा एप्लीकेशन बना के मल्टी वेंडर अमाउंट ट्रांसफर एप्लीकेशन हो या फिर एक रिचार्ज टाइप एप्लीकेशन उसमें रिचार्ज भी हो अमाउंट भी ट्रांसफर हो हर तरीके से आपको फायदा मिलना चाहिए और ऐसा एप्लीकेशन को बनाने में आपका ज्यादा खर्चा नहीं आएगा मल्टी वेंडर है तो अराउंड आपका एटी तक नाइटी तक इजी ये सब बन जाते हैं ठीक है और इस एप्लीकेशन से आप अर्निंग भी अच्छी खासी कर पाओगे दूसरे एक टॉपिक को पकड़ते हैं यहाँ पे ना जो फार्मर्स होते हैं उनके लिए भी आप चाहो तो अच्छा एक एप्लीकेशन बना सकते हो फार्मर से मेरा मतलब ये है कि आपको आप सभी को पता होगा कि गांव में ज़्यादातर धान गेहूं ये सब ज़्यादा होता है ना तो अभी एक्चुअली सीजन चल रहा है जैसे कि इस टाइम आप सभी को पता होगा गेहूं काटने वगैरह का सीजन चल रहा है आप अगर आप लोगों को पता होगा तो अदरवाइज मैं बता देता हूं कि अप्रैल के महीने में अप्रैल मई इन सब महीने में क्या होता है कि गेहूं मतलब जो फसल होती है वो पक चुकी होती है उसे काटने के बाद मतलब जो ट्रैक्टर्स वगैरह रहते हैं वो इस टाइम बड़े बिजी रहते हैं तो आप यहाँ पे ऐसा एप्लीकेशन बिल्ड कर सकते हो या एक लाइक अपॉइंटमेंट बुकिंग या फिर क्योंकि ना किसान को क्या करना पड़ता है कि काफी स्ट्रगल करना पड़ता है फाइन करने के लिए इन सब चीज़ों को और इस इस टाइम में ट्रैक्टर्स वगैरह काफी बिजी रहते हैं तो आप यह प्रॉब्लम भी सॉल्व कर सकते हो और इसके लिए किसान को ज्यादा मतलब भागदौड़ करने की जरूरत नहीं है उसके पास स्मार्टफोन ना भी हो तो भी चलेगा बस आपके कुछ टीम मेंबर यानी चार या पांच टीम मेंबर्स उनके साथ बस कांटेक्ट में रहे तो बेस्ट रहेगा अब आप अगर गांव में रह रहे हो तो मुझे नहीं लगता कि आपको आ, मतलब ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा या फिर ज्यादा प्रमोट करना पड़ेगा सिंपल अगर समझ चलिए कि आपके पास ट्रैक्टर नहीं भी है आपके पास व्हीकल्स नहीं है बट आपके पास कोई इक्विपमेंट भी नहीं है कि आप उनकी फसल को काट सको लेकिन आपके पास टीम मेंबर अच्छी

स्ट्रॉन्ग से मेरा मतलब ये है कि किसान को जो आपके किसान्स होते हैं या फिर जो भी आपके जो फसल वगैरह उगाते हैं उन उन सभी को या फिर अपने गांव में आपको प्रमोट करना पड़ेगा कि आप ये सारी सर्विसेज देते हो जैसे खेत के लिए जो भी सर्विसेज होती है वो सारी चीज़ें आप प्रोवाइड करते हो ठीक है और आपको एक तो गांव वाले से कांटेक्ट करना है दूसरा कांटेक्ट आपका वो जो ट्रैक्टर्स वाले होते हैं या फिर जिनके पास इक्विपमेंट्स रहता है उनको भी आपको मतलब अपने संपर्क में रखना है ताकि होगा क्या जिनको चाहिए उनसे आपने यहाँ से डील ली और आपने ट्रैक्टर वालों को जो भी आपके पास वेंडर्स हैं उनको आपने प्रोवाइड किया टाइमली प्रोवाइड किया और टाइमली आप वहाँ पे रन कर रहे हो अपने बिजनेस को एक ये बिजनेस भी है जो मुझे लगता है ज़्यादातर मतलब गांव में चलने वाला बिजनेस है फर्स्ट जो मैंने आपको बताया मनी ट्रांसफर रिचार्ज वाला जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है किसान की या फिर यूजर्स जो गाँव के यूजर्स होते हैं जो गाँव के जो लोग रहते हैं जो रहने वाले रहते हैं उनके लिए बड़ा प्रॉब्लम होता है सेकेंड ये जो मैंने बताया ना आपको ट्रक्टर्स वाला जो जब फसल उग जाती है फसल जब काटने का टाइम आता है उसके बाद फसल दोबारा बोने का भी टाइम आता है तो उस टाइम ये मतलब आ, यहां पे तो जाना बोलते हैं बट लेबर कह लीजिए जो खेत में बोते हैं ना एक आदमी पूरे खेत में सा, मतलब नहीं फसल नहीं बोल सकता उसके लिए दस या पंद्रह लोगों की टीम रहती है मतलब उनकी भी टीम रहती है यहां पे लेबर कहते हैं आप क्या क्या पता नहीं क्या कहते होंगे तो उनसे भी आप कॉन्टेक्ट करके मतलब टाइमली आप क्या कर रहे हो लेबर भी प्रोवाइड कर रहे हो वो सारी सर्विसेज आप किसान को प्रोवाइड कर रहे हो बट टाइमली कर रहे हो और थोड़े सिस्टम के साथ कर रहे हो यहाँ पे ये चीज भी बहुत ज्यादा रन करेगी आप विश्वास नहीं करोगे ये चीज मैं खुद करने वाला हूँ अभी यहाँ पे और मुझे ऐसा लगता है कि आपके साथ भी शेयर करना चाहिए और ये चलने वाली चीज दोस्तों गांव में क्योंकि यहाँ के जो लोग होते हैं ना उनकी मेंटेलिटी क्या है वो आपको लगता है कि वो ऑनलाइन होंगे ज्यादा नहीं होंगे तो उनको ऑनलाइन आपको लेकर आना है आपको लेकर आना मतलब उनके पास स्मार्ट स्मार्टफोन नहीं है ये आप भी जानते हो तो ये प्रॉब्लम को इस तरीके से सॉल्व करना है कि आपको दोनों तरफ से कॉन्टेक्ट रखना है एक तो गांव वाले जितने भी हैं प्लस जो ट्रैक्टर्स वाले उनसे भी अच्छा कॉन्टेक्ट रखना और इन दोनों को मिलाकर आप चाहो तो अच्छा खासा बिजनेस कर सकते हो दोस्तों गांव में भी ऐसे छोटे छोटे मतलब लॉजिकली देखा जाए तो बहुत अच्छे बिजनेस है जो मुझे लगता है चला सकते हैं हम और हम डिजिटली कर सकते हैं सभी को थोड़ा सा बस हमें एक साथ होना पड़ेगा मुझे ऐसा लगता है कि सच में ये सारे जो मैंने पॉइंट्स आपको बताए हैं ये सक्सेस हो जाएंगे गांव में और सच में आपको लगता है कि हो सकता है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा करके बताइए आपको नेक्स्ट वीडियो क्या चाहिए और ये वीडियो कैसा लगा जिसमें गांव की प्रॉब्लम्स को लोग सॉल्व कर रहे हैं आई होप दोस्तों आपको मेरा वीडियो सच में पसंद आया हो और पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा थैंक यू दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में